हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप? तो यार कैसे हो आप सब? आई होप यार आप बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे इन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हूँ कुछ प्राइवेसी इशू से कि आपका कोई फ़ोन जो है छेड़ ना सके और कुछ मतलब आपका ऐप्स ओपन ना कर सके। तो यार आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने रियलमी UI या किसी स्मार्टफोन में रियलमी के कैसे आप अपने मतलब ऐप लॉक को इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि यार काफ़ी लोग हैं जिनको फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता और उनके लिए यार प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा मैटर रखती है। तो यार इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ़ोन में ऐप लॉक को इनेबल कर सकते हैं और आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप को जो है लॉक लगा सकते हैं। तो यार वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना और ना आप ऐसे ही कई अच्छे वीडियो मिस कर जाएंगे। तो यार बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को। इसके लिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही इजी स्टेप से आप ध्यान से देख दीजिए और अपने आप को आप प्राइवेसी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपने फ़ोन के और नीचे कुछ स्वाइप डाउन करना और आपको यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको फोकस करके दिखा देता हूँ मैं। तो आप इस पर प्राइवेसी पे टैप करेंगे और उसके बाद आप इसमें भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे और आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद पहले आपको पासवर्ड सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप सेट कर लीजिए, आप अदर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप पिन या कुछ, मैं जैसे पैटर्न कोड यूज़ करता हूँ तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मतलब यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा, आप बता दीजिएगा जो आपकी व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन योर टीचर्स। तो यार अजीब सा क्वेश्चन है पर कोई नहीं, इसमें कोई आप दिक्कत मत मानिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने लिख दिया, डन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप कोई से भी ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ज़्यादा फ़ोटोज़ हो गया, मैसेज नहीं, और व्हाट्सएप और फ़ोटोज़ को मैं करता हूँ तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से यह लॉक हो चुका है। और आप चाहे तो इसमें आप फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो फेस अनलॉक यूज़ होगा। और उसके बाद आपको दिखाऊँ मैं, जैसे मैं लिखता हूँ, सॉरी, जैसे मैं आपको ओपन करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, या तो आप वेरीफाई पासवर्ड कीजिए, आप अपने फेस से भी खोल सकते हैं, फिंगरप्रिंट से भी खोल सकते हैं। तो आप यहाँ से वेरीफाई करके आप ऐप में एंटर कर सकते हैं और आप फेस अनलॉक भी यूज़ कर सकते हैं। यह 1 मिनट का होगा दोस्तों, आफ्टर 1 अनलॉक के बाद आपका जो है बार बार आपको मांगेगा और एक बार अनलॉक करने के बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फेस से भी खुल जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई पासवर्ड और फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट आपको पता ही है। तो यह कुछ फीचर देखने को मिलता है आपके स्मार्टफोन में। और एक बार यूज़ देख लेते हैं इसमें आपको कि कुछ और सेटिंग्स मिलते हैं नहीं, ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ऐप लॉक में जाके कुछ सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यूज़ फेस फॉर और नो वेरिफिकेशन अंटिल स्क्रीन लॉक, और रिसेट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ से अपने पासवर्ड को। तो यह आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लॉक के सेटिंग्स में, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो कोई से भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं, अपने प्राइवेसी को सेफ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यार मुझे पता है वीडियो ज़्यादा छोटी भी नहीं और ठीक है, और मेरा मोटिव था इस वीडियो को बताने के लिए कि यार कई लोग जो जिसको ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना नहीं आता उनके लिए अपने प्राइवेसी को मतलब सिक्योर करके रख सके, और कोई यार अनजान आदमी या फ्रेंड वगैरह सर्कल में पता कमीने होते हैं दोस्त, तो वह आपका जो प्राइवेसी ज़्यादा ना देख पाए। तो इस वजह से आपको बताना पड़ा अगर आप रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो यार मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सेफ रहिए, गुड बाय।